तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएस कोड 1200 पार्ट 1 की, जहां पर कंप्लीटली एक्सकवेशन के मेजरमेंट के बारे में बताया गया है। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सीपीडब्ल्यूडी में एक्सकवेशन का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, साथ ही साथ उस मेजरमेंट को आप बिल में भी क्लेम कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर कंप्लीटली हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। तो आज का ये वीडियो हर एक उस सिविल इंजीनियर्स के लिए होने वाला है जो अपनी साइट पर बिल बनाते हैं और वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो वहां पर कैसे एक्सकवेशन का आपको बिलिंग करना है, कैसे अर्थ वर्क से रिलेटेड आइटम को आपको जोड़ना है, तो इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलते हैं हम लोग पहले पॉइंट की ओर, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। मतलब कि जब भी हम लोग अर्थवर्क का काम करते हैं तो वहां पर हम लोगों को कुछ क्लासिफिकेशन भी देखना पड़ता है। सॉइल के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ सॉइल, मतलब कि जितनी तरह की सॉइल आपको मिलती है, मुरुम हो, सैंड हो, सैंडी क्ले सॉइल हो, किसी भी तरीका का सॉइल है तो आपका ऑल काइंड ऑफ सॉइल में आता है। देन आता है हमारा ऑर्डिनरी रॉक, मतलब कि किसी भी जो रॉक होते हैं, छोटे मोटे रॉक होते हैं, उसको आप आसानी से एक्सकवेट कर पा रहे हो, किसी भी हेवी इक्विपमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ रही है, एक्सकवेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी रॉक, जिसका हम लोग आराम से एक्सकवेशन कर लेते हैं। उसी के बाद आता है हमारा हार्ड रॉक, ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेटेड, मतलब कि कई बार हार्ड रॉक्स होता है, हार्ड रॉक में क्या करना होता है, हमको ब्लास्टिंग करके आसानी से एक्सकवेशन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आसपास रेसिडेंशियल एरिया है या ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पर हम लोग ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, वहां के सॉइल को बोला जाता है हार्ड रॉक ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेटेड, मतलब कि जहां ब्लास्टिंग हम नहीं कर सकते। देन आता है हमारा हार्ड रॉक ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई ऐसी जगह होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई ऐसे जगह होते हैं जहां रॉक्स अवेलेबल होते हैं एक्सकवेशन के टाइम पर, और वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर ब्लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको इजीली एक्सकवेट नहीं किया जा सकता, तो यहां पर ब्लास्ट करके आसानी से एक्सकवेशन को किया जा सकता है। लेकिन जहां पर प्रोहिबिटेटेड है ब्लास्टिंग, वहां पर हमको हेवी मशीन्स की जरूरत पड़ती है एक्सकवेशन करने के लिए, तो यहां पर से आप जान सकते हो कि कौन सा ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे महंगे की, तो हार्ड रॉक जहां पर ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेटेड है, वहां पर हम लोगों को एक्सकवेशन करने में ज्यादा मुश्किल होती है और उसका भी पैसा हमको ज्यादा मिलता है। कितना मिलता है आप अपने SOR DSR से चेक कर सकते हो। आज इस कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, QS एंड RA निकालना, BBS निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स, आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले लो। आगे चलते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ, जहां हम लोग बात करने वाले एडिशनल अलाउंस फॉर एक्सकवेशन फॉर सेंटरिंग एंड शटरिंग, मतलब कि कैसे एक्सकवेशन की बात करें। जैसे कि आप लोग ऐसे एक्सकवेशन करते हो, फुटिंग के लिए एक्सकवेशन आपको करना है और उसकी डेप्थ, यहां पर देखो एक लाइन लिखी हुई 300 mm ईच साइड फॉर एक्सकवेशन इफ डेप्थ इज लेस देन 1.5 meter, मतलब कि अगर आप ऐसा कोई एक्सकवेशन कर रहे हो जिसकी जो डेप्थ है वो 1.5 meter या उससे कम है ना, और वहां पर अगर हम लोग एक्सकवेशन कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा बोला जाता है जितने साइज के लिए, मतलब जो भी आपके फुटिंग का साइज होगा, वहां चारों डायरेक्शन से 300-300 mm एक्स्ट्रा लेकर आप एक्सकवेशन कर सकते हो। सपोज कि मेरा जो फुटिंग का जो साइज है वो यहां पर मैं डाल देता हूं, जो कि है मेरा 1.5 meter by 1.5 meter, और मुझे इस फुटिंग के लिए एक्सकवेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 300 का ऑफसेट लूंगा हर डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन से, और ये मेरा एक्सकवेशन का साइज होगा। मतलब ये यहां से यहां तो 1.5 है, लेकिन यहां 300 mm एक्स्ट्रा और यहां 300 mm एक्स्ट्रा, मतलब कि ये जो टोटल एक्सकवेशन की जो विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 2.1 meter। साथ ही साथ जब मैं इसकी विड्थ की तरफ की बात करूं यहां पर, तो यहां पर जो 1.5 यहां से यहां तक है, तो 300 mm एक्स्ट्रा 300 mm एक्स्ट्रा यहां पर होगा, तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, 2.1 meter का एक्सकवेशन इसका ले सकते 2.1 by 2.1, और जो भी उसका रिक्वायर्ड डेप्थ होगा जो कि 1.5 मीटर से कम होना चाहिए, तो यहां पर उसका 300-300 mm एक्स्ट्रा आप ले सकते हो। ये किस लिए, क्योंकि यहां पर हमको शटरिंग लगाना होता है, सेंटरिंग करना होता है फुटिंग के लिए, साथ ही साथ लेबर काम करते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस वो देता है। आगे बढ़ते हैं कि अब यहां पर 1.5 meter तक की बात हो गई, अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है मोर देन 1.5 meter, सेम वही क्लॉज है, अगर उसकी डेप्थ 1.5 meter से ज्यादा हो गई तब आपको क्या करना है, जैसे कि इस टाइप
के एक्सकवेशन में जो इसकी हाइट है बहुत ज्यादा है, 1.5 मीटर से ज्यादा हो गई, तब इस डायरेक्शन में क्या करना है, जैसे जहां पर हम लोग 300 mm एक्स्ट्रा ले रहे थे वहां पर 750 mm एक्स्ट्रा लेना है चारों डायरेक्शन से। मतलब कि अगर अगेन मेरी जो साइज है फुटिंग की यहां पर ये 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर है, तब मैं क्या करूंगा जो एक्सकवेशन करूंगा इसके बाहर साइड उसमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 750 mm मतलब कि अगर मैं बात करूं मीटर की तो 0.75 मीटर चारों डायरेक्शन से मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या एक्सकवेशन का साइज, और इसकी जो डेप्थ रहेगी वो आपको जो रिक्वायर्ड रहेगी आपके ड्राइंग में उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा पैसे इस तरीके से क्लेम कर सकते हो। आगे चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ जिसमें हम लोग जानेंगे इफ डेप्थ इज ग्रेटर देन 2 मीटर देन, अब डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा हो गया है और वहां पर अगर आपको इनफर्म सॉइल मिल रहा है, मतलब कि अच्छा सॉइल मिल रहा है जहां पर ज्यादा कुछ लैंडस्लाइड होने के चांसेस नहीं है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो बोलता है कि क्रिएट स्टेप्स ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड, मतलब कि एवरी 2 मीटर पे फ्रॉम द बॉटम लेवल, मतलब कि हर 2 मीटर के ऊपर जब आओगे डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा होगी, जैसे आप 2 मीटर से ऊपर जाओगे तो आपको 50 सेंटीमीटर का क्या करना है स्टेप बनाना है वहां पर 50 सेंटीमीटर का, फिर से जैसे 2 मीटर ऊपर गए 50 सेंटीमीटर का दोनों साइड स्टेप बनेगा, जैसे 5 मीटर का है तो 2 मीटर के बाद 50-50 सेंटीमीटर का स्टेप बना, फिर से 2 मीटर गए 50-50 सेंटीमीटर का अगेन यहां पर स्टेप बना। लेकिन क्या होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर यहां पर आपके फुटिंग का जो साइज है मान लेते कि ये 1.5 मीटर है ना जो हम अभी तक के लेके चल रहे थे, तो यहाँ से सबसे पहले आपको 750 mm मतलब 0.75 mm एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा बॉटम से, यहाँ से यहाँ 0.75 mm क्या होगा पहले एक्स्ट्रा होगा, फिर उसके बाद 2 मीटर ऊपर जाके उसमें स्टेप्स बनना चालू होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। और इसका मेजरमेंट कैसे निकालोगे आप, अगर आपको निकालना है तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अलग अलग शेप में, जैसे कि ये वाला एक अलग सेक्शन बन गया, फिर उसके बाद ये 2 मीटर का एक अलग सेक्शन बन गया जो आपका अलग अलग क्यूबॉइडल बनते जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसको वॉल्यूम को निकाल सकते हो और अपने मेजरमेंट में पुट कर सकते हो। तो ऐसे आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, जो गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये सारे काम आपको करने चाहिए। तो ये है हमारा फर्म सॉइल जहां पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस नहीं है या सॉइल गिरने के चांसेस नहीं है। अब चलते किसी दूसरे डायरेक्शन पे, मतलब कि दूसरे सॉइल पे जहां पर वही सेम वही चीज है लेकिन इन सॉफ्ट सॉइल बोल रहा है, मतलब जहां पर मिट्टी धंसना चालू हो जाएगी, तो ऐसी जगह पर तो हम स्टेप नहीं बना पाएंगे। तो वहां पर बोलता है कि आप स्लोप क्रिएट करो, जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो ये स्लोप क्रिएट किया गया है, तो ऐसे स्लोप आपको क्रिएट करना है। और इसका जो रेशियो होने वाला है यहां पर लिखा हुआ है 1:4 जिसमें 1 हॉरिजॉन्टल है और 4 वर्टिकल है, मतलब कि अगर आप 4 मीटर का गड्ढा कर रहे हो तो 1 मीटर यहां पर आपको इस तरफ स्लोप लेके जाना है। साथ ही साथ सेम जो यहां पर ये बनने वाला है इसको भी आप एक्स्ट्रा लेके चल सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इधर 1.5 मीटर का आपका एक्सकवेशन है तो यहां से 750 एक्स्ट्रा ले लो, यहां से 750 का एक्स्ट्रा ले लो तो आपको रिक्वायर्ड शेप मिलेगा। फिर अब इसको स्लोप लेके जाना है आपको, जिससे कि आप एक्स्ट्रा पैसे आप क्लेम कर सकते हो आपके बिल में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बिलिंग वर्क कर रहे हो, और अगर आप एक्सकवेशन का मटेरियल क्लेम कर रहे हो तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखो। आप अपनी कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम लाके दे सकते हो अपने नॉलेज से। यहां पर हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि फ्रॉड करके या किसी तरीके से धोखा देके किसी को हम लोग पैसा क्लेम कर रहे हैं, यहां लीगली हम लोग पैसा क्लेम कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। ये हमारे IAS कोड ने कहा है और हमारे CPWD के स्पेसिफिकेशन ने भी ये कहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा यहां पर चीजों को ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है हमारा ट्री कटिंग, जैसे कि यहां पर आप लोग देख पा रहे हो ट्री कटिंग या ट्री फेलिंग आप इसको बोल सकते हो, तो इसका पैसा आप कैसे क्लेम कर सकते हो। हर एक पेड़ को हम लोग ट्री कटिंग तो नहीं बोल सकते, तो यहां पर क्या बोलते हैं जो CPWD है उसने ट्री को एक अलग से नाम से दर्शाया गया है, मतलब कि ये जो हमारा है इसको ट्री कब बोलेंगे, जैसे कि आपका कोई भी पेड़ है उसके 1 मीटर की हाइट पर जाना और इसका गर्थ गिनना, गर्थ मतलब उसकी मोटाई, जो पेड़ की मोटाई है या गोलाई है जिसको आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो, तो उससे आपको गिनना है। अगर वो 300 mm से ज्यादा है ना, अगर वो 300 mm से ज्यादा है तो पेड़ की कैटेगरी में आ जाएगा और उसे आप लोग ट्री कटिंग का नाम दे सकते हो, उसके अलग से आपको पैसे मिलेंगे। तो ये पैसे इसको जड़ सहित उखाड़ने के मिलते हैं। लेकिन कभी भी ट्री कटिंग करो तो ट्री कटिंग करने से पहले आपके आसपास जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उसे परमिशन जरूर लेना ट्री कटिंग करने के लिए, अदरवाइज आपकी जो कंपनी है वो मुसीबत में आ सकती है, तो परमिशन लेना बिल्कुल मत भूलना। आगे बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है हमारा जंगल क्लियरिंग। जैसे कि हम लोग ने बात की, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े
पेड़ आपके होते हैं, अगर उसकी जो गर्थ है वो अगर 0.3 मीटर से ज्यादा नहीं है, उससे कम है, तो वहां पर हम लोगों को बोलना पड़ता है कि ये जंगल क्लीनिंग है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक जंगल क्लीनिंग है। तो उस टाइम पे आपको जंगल क्लीनिंग का पैसा मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो। तो जंगल क्लीनिंग में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा इस घास फूस को निकालना पड़ेगा, छोटे बड़े पेड़ पौधों को भी हटाना पड़ेगा, और जो पेड़ आपको नजर आ रहे हैं जिसकी गर्थ कम है तो उसे भी आपको वहां पर जड़ सहित काटना पड़ेगा और ग्राउंड को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा जंगल क्लीनिंग, जिसके लिए आपको अलग से पैसे मिलते हैं आपके बिल में। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना, जब भी साइट क्लीनिंग करो तो नॉर्मल साइट क्लीनिंग का पैसा मत लेना, वहां पर ट्री कटिंग है, वहां पर आपको जंगल क्लीनिंग है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये जंगल है, अगर जंगल के साथ अगर कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं जो हमारे नॉर्मल ग्रासेस रहते हैं वहां पर, तो उसका क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेसिंग। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल हमारा ग्राउंड है, उसमें छोटे बहुत अंडुलेशंस है, तो उस अंडुलेशन को बोला जाता है सरफेस ड्रेसिंग, जिसमें आप 150 mm तक का जो सरफेस है उसको ड्रेसिंग करते हो, मतलब कि 150 mm तक के आप थोड़ा सा एक्सकवेशन कर देते हो ग्राउंड के ऊपर ही, जिससे कि थोड़े बहुत जो ऊपर घास फूस है वहां से क्लीन हो जाए और आपका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ और एकदम अच्छा बन जाए कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेसिंग। साथ ही साथ यहां पर आपको एक और पॉइंट आता है, वो आता है आप लोगों का पीट एक्सकवेशन। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर कोई भी आप एक्सकवेशन करते हो और अगर उसका जो वॉल्यूम है 0.1 क्यूबिक मीटर से 0.5 क्यूबिक मीटर तक के आता है, तो आप लोगों को बोला जाता है पीट एक्सकवेशन, जिसका पैसा आप क्लेम करोगे पीट एक्सकवेशन के नाम से। इसका जो पैसा है आपको अलग से मिलेगा, तो इसकी भी बिलिंग में कुछ इस तरीके से नाम दिया जाता है पीट एक्सकवेशन। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो 0.1 मीटर क्यूब से लेकर 0.5 मीटर क्यूब तक के होती है। आगे चलते एक और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, सरफेस एक्सकवेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक जो एक्सकवेशन होता है, जो वॉल्यूम हम लोग क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत, मतलब 1.5 तक की डेप्थ है, उससे ज्यादा की डेप्थ है। फिर मैंने आपको सरफेस ड्रेसिंग बताया, जिसमें 150 mm तक का आप लोग एक्सकवेशन करते हो। अब ये जो एक्सकवेशन है 150 mm से ज्यादा अगर आप 0.3 मीटर तक का एक्सकवेशन करते हो, मतलब 300 mm तक का एक्सकवेशन करते हो, तो यहां पर उसे बोला जाता है सरफेस एक्सकवेशन। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो, मनरेगा का जो काम होता है उसमें भी इसी तरीके का एक्सकवेशन होता है, तो उसका भी बिल इसी तरीके से बनेगा। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अब ये क्राइटेरिया क्या है, यहां पर देखिए, इसकी जो डेप्थ है वो 0.3 मीटर से कम होनी चाहिए या 0.3 मीटर होनी चाहिए, है ना। डायरेक्टली बोलूं तो 0.3 या उससे कम का इसका एक्सकवेशन का डेप्थ होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी जो लेंथ है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए, मतलब कि अगर आप देखो यहां से यहां तक जो आपको विड्थ नजर आ रही है, आप लेंथ भी बोल सकते हो उसको, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इसका एरिया है, जैसे कि यहाँ पर आप इसका एरिया अगर मेजर करते हो, तो उसका जो एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये सरफेस ड्रेसिंग के जो क्लॉज में है वो आ पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे आईएस कोड 1200 पार्ट 1 के, जो कि हमारा अर्थवर्क के लिए लिया जाता है। अगर इसके बारे में और भी आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं इसके लिए पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आईएस कोड 1200, जो कि एक बिलिंग इंजीनियर के लिए वरदान है, जो कि उसको आना चाहिए, अगर इसका पूरा सीरीज चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका पूरा सीरीज लेके आऊंगा। तो आगे जाने से पहले आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। जल्दी मिलेंगे इंजीनियर्स नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।